हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है इस चीज़ को डिस्कस किया, और फिर हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जब मल्टीपल प्लेन मिरर्स एक साथ लगाए जाते हैं तब किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, इस फिनोमेना को भी डिस्कस किया था। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम यूजेस of plane mirror. अब हम प्लेन मिरर के कुछ यूजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक यूज, सबसे पहला यूज जो कि डेली लाइफ में हम करते ही हैं, आप भी करते हैं यूज, मैं भी यूज करता हूं, और पूरा दुनिया, पूरी दुनिया इस चीज को यूज करती है। द फर्स्ट यूज इज वेरी सिंपल, टू सी आवर फेस। सबसे पहला यूज, बिल्कुल बेसिक यूज, टू सी आवर फेस, बिकॉज हमारा फेस, हम अपने फेस को देखना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है अगर हमारा फेस मिरर में देखें। सो इसीलिए प्लेन मिरर का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो तो फेस देखने के ही काम आता है। ओके, प्लेन मिरर हर जगह लगा होता है, आपके घर में, आपके वॉशरूम्स में, या फिर पब्लिक प्लेसेस पे लगा रहता है। सो प्लेन मिरर का पहला यूज, द बेसिक यूज इज द टू सी आवर फेस। सेकेंड यूज इज इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक वह इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को, सेलेस्टियल बॉडीज को, गैलेक्सीज को, स्पेस में दूसरी चीजों को देख सकते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट्स को यह टेलीस्कोप बड़ा करके दिखाता है। ये कैसे फंक्शन करता है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न। ओके, ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज ये इसका फंक्शनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब हम रिफ्रैक्शन और लेंसेज के बारे में पढ़ लेंगे। फॉर टाइम बीइंग जस्ट अज्यूम कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में प्लेन मिरर लगा हुआ होता है। ओके, देन द थर्ड यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग यूज, दैट इज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का काफी ज्यादा उपयोग होता है। नाउ व्हाट इज पेरिस्कोप? पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर beyond our line of sight. पेरिस्कोप एक वह इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने में इस्तेमाल होता है, those objects which are beyond our line of sight. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं होते। नाउ व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट मींस द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ योर आईज, आपकी आईज का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा खड़ा हूं या मैं ऐसा खड़ा हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? मेरी लाइन ऑफ साइट होगी द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग फ्रॉम माय आई, इस तरह से जो प्लेन होगा दैट विल बी माय लाइन ऑफ साइट। ओके, तो यह मेरी लाइन ऑफ साइट है। जो ऑब्जेक्ट्स इस लाइन ऑफ साइट पे लाए नहीं करते, जो ऑब्जेक्ट्स इस लाइन ऑफ साइट पे नहीं है, उन्हें देखने के लिए हम जनरली यूज करते हैं पेरिस्कोप का। समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से यहां देख रहा हूं, दिस इज माय आई, मैं इस तरह से यहां देख रहा हूं, सो मेरी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी दिस लाइन। This line, this is a horizontal line passing from my eye. This line is the horizontal line of sight or line of sight. Okay?
सो जो ऑब्जेक्ट्स इस लाइन ऑफ साइट पे लाए कर रहे हैं उन्हें तो मैं देख सकता हूं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ साइट पे लाए नहीं कर रहे उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको अपनी आईज को टेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे रखा है एक ऑब्जेक्ट, आप कैसे देखोगे जब आप अपनी आईज को नीचे झुकाओगे। ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट कैसे देखोगे जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, अपनी आईज का लाइन ऑफ साइट ऊपर खसकाओगे, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल टू यू। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप आए ऊपर करके भी नहीं देख पाते, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऑब्स्टिकल है, यहां पे एक वॉल है कुछ इस तरह से, एक बहुत बड़ी वॉल है, और इस वॉल के यहां पे, इस वॉल के पीछे इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, अभी यह ऑब्जेक्ट मेरी लाइन ऑफ साइट में लाइन नहीं कर रहा, सो मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। जब मैं मेरी आईज को ऊपर करूंगा और ऊपर करके इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूंगा, सो आई विल फाइंड कि यह ऑब्जेक्ट तब भी मुझे विजिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल है यहां बीच में, इसकी वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट को तो अभी नहीं देख पा रहा। फिर क्या किया जाए, फॉर दिस पर्पस टू सी दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी विल गोइंग टू यूज अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप सिंपली इन साइंटिफिक टर्म्स अगर कहें, सो पेरिस्कोप शिफ्ट्स योर लाइन ऑफ साइट, पेरिस्कोप आपकी लाइन ऑफ साइट को शिफ्ट कर देता है, ओके, इन एनी डायरेक्शन यू वॉन्ट, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। आप चाहते हैं ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा, नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो भी शिफ्ट हो सकता है, साइड में इधर या फिर इधर, हर जगह। सो सी, चलिए देखते हैं कैसे बनता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज नथिंग बट एन एल शेप्ड ट्यूब, एक एल शेप का इस तरह का एक ट्यूब होता है, कुछ इस तरह से इसका शेप होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का यह डिवाइस होता है, इस तरह से एक एल शेप्ड का ऐसा यू और जेड शेप्ड का एक ट्यूब है। नाउ जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, सो दैट लाइट विल गो इन ऑल द डायरेक्शंस, वह सभी डायरेक्शंस में एमिट होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोई बल्ब है, मैं मान रहा हूं कि ऑब्जेक्ट लेट से कोई चौक रखा हुआ है, सो चौक के पास कोई अंदर एनर्जी तो है नहीं कि वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, चौक लाइट कैसे एमिट करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, तो ट्यूबलाइट की लाइट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में आएगी, तब मैं इसे देख पाऊंगा। सो इसीलिए हम अभी मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है। नाउ हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को कैप्चर किया इन दिस ट्यूब, इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को कैप्चर किया कि वो ट्यूब में आ जाए, बिकॉज सभी डायरेक्शन में एमिट हो रही है, तो इसकी रेज ट्यूब में भी आ रही होंगी इस डायरेक्शन में। और उसके बाद हमने यहां पर एक प्लेन मिरर इंस्टॉल कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, इट्स अ प्लेन मिरर। एक इस तरह का प्लेन मिरर हमने यहां इंस्टॉल कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लाइट रे विल गेट इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर, यह लाइट रे इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होगी, एंड फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, कुछ इस तरह से यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। नाउ अब यह लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है, फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर भी एक और प्लेन मिरर इस तरह से इंस्टॉल कर दिया, अगेन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, दिस प्लेन मिरर इज ऑल्सो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, यह प्लेन मिरर भी 45 डिग्री पे है। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, दिस लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड एट दिस पॉइंट, यह लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी और यहां से फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, एंड दिस विल कम टू माय आई, यह इस तरह से मेरी आंख में आएगी, एंड आई विल बी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट, बिकॉज यह लाइट रे कहां से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। So, इस तरह से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है,
वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर बियॉन्ड अवर लाइन ऑफ साइट। तो देखिए अब आपकी लाइन ऑफ साइट कहाँ शिफ्ट हो गई, अब आप यहाँ के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख रहे, आपने जब अपनी आंखों के सामने ऐसा पेरिस्कोप लगा लिया देन यू आर विजुअलाइजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, वह ऑब्जेक्ट जो इस लाइन ऑफ साइट पे लाए कर रहे हैं, इस तरह से इस लाइन ऑफ साइट पे लाए करने वाले ऑब्जेक्ट्स को अब आप देख पा रहे हैं, ना कि ये वाले। अगर मैं सेम इस ट्यूब को घुमा के नीचे लगा दूं तो आप फिर कौन से ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे, वह ऑब्जेक्ट्स जो इधर लाइन ऑफ साइट पे लाए करेंगे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ यूज ऑफ दिस ट्यूब इज इन सबमरीन्स, जनरली यह पेरिस्कोप यूज होता है सबमरीन्स में। सबमरीन्स में क्योंकि सबमरीन इज बीनीथ द वाटर, वो पानी के नीचे होती है, और अगर उन्हें देखना होता है कि पानी के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं, सो टू सी दोज एक्टिविटीज विच आर अबव द वाटर लेवल दे यूज पेरिस्कोप। आपने देखा होगा कार्टून्स में जनरली होता है ऐसी दो आंखें निकल के पानी से बाहर आती है, एंड यू विल फाइंड कि एक बड़ी सारी ट्यूब डली हुई है जो कि सीधे सबमरीन में जा रही है, एंड सबमरीन के अंदर समवन इज वॉचिंग लाइक दिस, इस तरह से देख रहा है। सो ये चीज कोई अलग नहीं है, दिस इज अ पेरिस्कोप, एंड पेरिस्कोप इज नथिंग बट यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है और उसकी मदद से पेरिस्कोप बनाया गया है। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये चीज आप घर पे भी बना सकते हैं। यूज कार्डबोर्ड टू मार्क दिस काइंड ऑफ ट्यूब, इस तरह से ट्यूब बनाइए, तीन टुकड़े बनाइए, एक ऐसा स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर शेप का, एक क्यूबॉइड बनाइए, एक ये बड़ा क्यूबॉइड और एक छोटा क्यूबॉइड, और इनके बीच में दो इस तरह से प्लेन मिरर्स लगा दीजिए। प्लेन मिरर कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, इट विल हार्डली कॉस्ट यू 25 रुपीज पर मिरर। सो 50 रुपीज में आप ये दो प्लेन मिरर्स लाके और इस तरह से डिवाइस बना सकते हैं। ओके, सो इसका यूज मेजॉरिटी यूज जो होता है दैट इज इन सबमरीन्स, सबमरीन्स में यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिस्कोप। द नेक्स्ट यूज फॉर दिस प्लेन मिरर इज, वी विल राइट द नेक्स्ट यूज, द फोर्थ यूज इज सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। जैसा आप घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर कैसे यूज करते हैं, आप उसे गैस पे रखते हैं, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है वहां से गैस सप्लाई होती है और वह गैस बर्न होती है और उसके ऊपर हमारा प्रेशर कुकर रखते हैं। वट इज द यूज ऑफ दैट कुकर? आप उसमें खाना पकाते हैं, इट्स यूज टू कुक फूड। सो सेम जैसा वह कुकर एलपीजी पे वर्क कर रहा था, वह गैस पे वर्क कर रहा था, उसी तरह से सोलर कुकर वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। वह कुकर गर्म कैसे हो रहा था? एलपीजी गैस के जलने से, उस गैस की बर्निंग से। और ये कुकर गर्म कैसे होता है? सोलर एनर्जी से। नाउ कैसे होता है, चलिए इसे देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन। इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का एक बॉक्स होता है इस कुकर में, इस तरह का एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, क्यूबॉइडल शेप का एक बॉक्स। दिस बॉक्स इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, अंदर से ब्लैक कलर पेंट कर देते हैं, इस तरह से पूरा अंदर से आप इसे ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। नाउ Why we have painted it black from inside? हमने इसे black color क्यों paint किया? It's because dark colors or black color absorb more energy compared to light color. आपने एक चीज observe की होगी, generally ऐसा होता है, generally हमें कहा जाता है कि गर्मी के season में आप white कपड़े पहने और सर्दी के season में आप dark कपड़े पहने। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? It's because जो लाइट कलर्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर और येलो कलर, ये सभी क्या है? ब्राइट कलर्स। लाइट कलर्स जनरली रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट कलर्स लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड डार्क कलर्स जनरली एब्जॉर्ब लाइट, और लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो दैट लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी।
इसीलिए डार्क कलर्स आपने देखा होगा, डार्क कपड़े या फिर आपके हेयर्स धूप में जल्दी गर्म होते हैं कंपेयर टू योर बॉडी। बॉडी के कंपैरिजन में सिर जल्दी गर्म होता है, इट्स बिकॉज योर हेयर्स आर ब्लैक। सो ब्लैक कलर जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें खाना पकना चाहिए। सो टू कुक योर फूड यू नीड एनर्जी, यू नीड हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी के लिए आपने इसको अंदर से ब्लैक कलर का पेंट कर दिया, और ब्लैक कलर पेंट के बाद इसे बाहर से थर्मोकोल लगा दिया। इसके बाहर आपने थर्मोकोल की ऐसी कोटिंग लगा दी। कोटिंग लगा दी मींस आपने एक थर्मोकोल शीट ली और उस थर्मोकोल शीट को काट के अपने इस कंटेनर के चारों तरफ चिपका दिया। व्हाई? बिकॉज थर्मोकोल इज द बेस्ट इंसुलेटर। दिस इज थर्मोकोल। थर्मोकोल इज द बेस्ट इंसुलेटर। यह एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब वह सब्सटेंस जो हीट को आर पार नहीं जाने देता, जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मेटल की एक स्पून ली, आपने उसको गैस पे गर्म किया। यू विल फाइंड कि आप अगर उसको आगे से गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको हाथ में गर्म फील होने लगेगा। व्हाई? बिकॉज दैट मेटल स्पून इज अ कंडक्टर। इट विल कंडक्ट हीट फ्रॉम दैट टिप टू एंड। इस तरह से वो हीट का कंडक्शन करेगा। लेकिन अगर मैं थर्मोकोल ले लूं, थर्मोकोल लगा दूं, देन आई विल फाइंड कि थर्मोकोल की वजह से हीट इधर उधर नहीं जा पा रही। अब अगर इस कंटेनर में से हीट इधर उधर नहीं जा पा रही, इट मीन्स यहाँ पे जो हीट आ रही है, जो ये ब्लैक कलर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट अंदर ही रिटेन रहेगी या अंदर ही मेंटेन रहेगी। और मेंटेन रहने से क्या होगा, दिस विल गेट मोर हॉट। ये ज्यादा जल्दी गर्म होगा और ज्यादा गर्म होगा। इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। और फिर यहां पर हम लगा देते हैं एक इस तरह का प्लेन मिरर। दिस इज अ प्लेन मिरर। इट्स अ प्लेन मिरर। नाउ लेट्स से हमने यहां पे इस तरह से हमारा पैन रख दिया। इट कंटेन फूड। अब हमें इस फूड को गर्म करना है। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता और हम इस कंटेनर को धूप में रख देते, देन जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ती वो सीधे सीधे इस वाइट इस ब्लैक कोटिंग की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती, इस फूड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती। ऑब्वियस सी बात है, ये फूड गर्म होता, लेकिन वो इतना गर्म नहीं होता, इतना ज्यादा एफिशिएंटली गर्म नहीं होता कि ये खाना पक जाए। ये फूड कुक हो जाए, इतना ज्यादा प्रॉपरली गर्म नहीं होता। इसीलिए हमने क्या करा, इसीलिए हमने प्लेन मिरर लगाया। बिकॉज अगर लेट से यहां पे सन है इस तरह से, सो जो सन की रेज डायरेक्टली इस फूड पे पड़ रही हैं इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। सो दीज रेज आर नॉट सफिशियंट टू कुक दिस फूड। इसीलिए हमने क्या करा, हमने सन की वह रेज को भी इस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया, सच दैट जो सन की रेज दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी डायरेक्शन में है, वो भी यहाँ पे इस फूड को कुक करने में हेल्प करे। तो इस तरह से इस प्लेन मिरर के लगाने की वजह से जो सनलाइट उधर जा रही थी, अलग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसे भी हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उसे भी हमने फोकस कर दिया, उसे भी हमने डायरेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। सो इससे क्या होगा, फूड जल्दी कुक होगा। और यहां पर फिर हमने एक ग्लास की एक शीट इस तरह से लगा दी। दिस इज अ ग्लास शीट। ग्लास शीट बेसिकली ट्रैप करती है हीट को। दिस ग्लास शीट इज टू ट्रैप द हीट। जो सनलाइट यहां से आई है और अंदर गई है, दिस सनलाइट में मूव आउट। ये जो सन की हीट है, जो यहाँ पे हीट एनर्जी अंदर आई है, ये हीट एनर्जी बाहर निकल सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे ग्लास शीट लगा दी सच दैट ये हीट एनर्जी बाहर ना निकले। सो इस तरह से यह सोलर कुकर बनाया जाता है। और इसमें प्लेन मिरर का इस तरह से यूज किया जाता है। प्लेन मिरर का यहाँ पे यूज क्या है, प्लेन मिरर डायरेक्ट्स द सनलाइट टूवर्ड्स फूड। फूड की तरफ सनलाइट को डायरेक्ट करता है। जो डायरेक्टली सनरेज आ रही है, इट्स ओके, वो तो आ रही है, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। दिस कैन बिकम अ क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वाई वी आर यूजिंग सोलर दिस प्लेन मिरर इन द सोलर कुकर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इट इज यूज टू डायरेक्ट द सनरेज, बिकॉज
डायरेक्टली जो सनरेज आ रही हैं वह इतनी एफिशिएंट नहीं है. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर इन सोलर कुकर. द लास्ट यूज इज कैलेडोस्कोप. नाउ व्हाट इज कैलेडोस्कोप? कैलेडोस्कोप एक टॉय होता है. इसमें प्लेन मिरर एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए होते हैं और इसके अंदर कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स डले हुए होते हैं. आप फिर इसको जब मूव करते हैं सो यू विल फाइंड वंडरफुल पैटर्न्स. उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं. दैट इज द कैलिडोस्कोप. ये बेसिकली यूज होता है टू डेकोरेट, डेकोरेशन के लिए. इस तरह के टॉयज को, इसके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर डेकोरेशन ऑफ हाउस. तो वहां पे भी प्लेन मिरर्स यूज होता है. इनफैक्ट कैलिडोस्कोप पूरी तरह से प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. दैट इज रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर कैलिडोस्कोप बेस्ड है. वैसे तो प्लेन मिरर्स के बहुत सारे यूज होते हैं, बट बेसिक यूज जो होते हैं वो सिर्फ यही है. बाकी जो यूज होते हैं दे आर इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. टेलीस्कोप के अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. जनरली डेंटिस्ट भी कभी कभी यूज करते हैं प्लेन मिरर अलग अलग एप्लीकेशंस में. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर. यहाँ पे प्लेन मिरर फिनिश होता है. फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट कर्व मिरर्स. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कर्व मिरर्स. कर्व मिरर, जैसा हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया दैट एक प्लेन मिरर इज अ इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ डिवाइस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन. एक प्लेन मिरर वह डिवाइस है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है. हमने प्लेन मिरर को बनाया कैसे? आपने एक ग्लास की शीट ली, उस ग्लास शीट को एक तरफ से सिल्वर कलर कर दिया. सिल्वर कलर करने से क्या हुआ? वह शीट रिफ्लेक्टिंग बन गई. और उसके दूसरे तरफ से जब हमने देखा सो वी आर एबल टू सी अवर फेस. और इस तरह से हमने प्लेन मिरर बनाया. इट्स वेरी इजी टू मेक प्लेन मिरर. आप सिल्वर पेंट कर दीजिए, आप ग्लास शीट लेके आ जाइए और घर पे सिल्वर पेंट कर दीजिए उसके एक तरफ, यू विल फाइंड इट बिकम अ मिरर. सो हमने वहां पे ग्लास की जो शीट ली दैट्स अ प्लेन शीट, वह बिल्कुल सपाट थी. लेकिन जरूरी नहीं कि ग्लास की शीट हमेशा ही प्लेन हो. देर आर अदर काइंड्स ऑफ शेप ऑल्सो. दूसरे तरह के भी शेप होते हैं प्लेन के अलावा. और जो दूसरे तरह के शेप होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं इन कर्व्ड मिरर. सो कर्व मिरर की डेफिनेशन हो जाएगी इट्स अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड. एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है उसे हम कहते हैं कर्व्ड मिरर. कर्व मिरर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. द मोस्ट कॉमन आर, सबसे पहला स्फेरिकल मिरर, दूसरा पैराबोलिक मिरर, तीसरा हाइपरबॉलिक मिरर एंड देर आर मेनी अदर शेप. देखिए कर्व शेप का मतलब एनी इरेग्युलर शेप, एनी शेप अदर देन प्लेन सरफेस आर नोन एज कर्व सरफेस. कर्व सरफेस क्या होगी? प्लेन सरफेस के अलावा जो भी सरफेसेस हैं सभी सरफेसेस कर्व हैं. और कर्व का शेप ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन उसमें से जो कॉमन है दे आर स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक. इस तरह के तीन मिरर जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है. स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है ऐसे मिरर्स, ऐसे कर्व मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो. क्या कहेंगे हम? कहेंगे दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स आर दोस कर्व्ड मिरर हुज
रिफ्लेक्टिंग हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फीयर. स्फेरिकल मिरर का मतलब एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर हो, स्फेरिकल हो, स्फीयर के जैसी हो. अदर्स आर पैराबोलिक. पैराबोलिक एक शेप होता है. जैसे स्फेरिकल क्या है, एक शेप है, उसी तरह से पैराबोलिक एक शेप होता है. इसको आप 11th क्लास में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में. पैराबोला होता है, मैं तो पैराबोला इज अ शेप. तो वह शेप का अगर मिरर बनाया जाए तो दैट विल बी अ पैराबोलिक मिरर. और हाइपरबोलिक इज अगेन अ शेप. हाइपरबोला एक शेप होता है, एक पर्टिकुलर एक कर्व होता है. अगेन इसको भी आप 11th क्लास में ही पढ़ेंगे इन मैथमेटिक्स. फॉर टाइम बीइंग जस्ट मान लीजिए हाइपरबोला और पैराबोला दो शेप्स होते हैं. और अगर उस शेप का हम ग्लास लें और उसको फिर पेंट कर दें, सो दैट विल बिकम अ हाइपरबोलिक मिरर और अ प्लेन और पैराबोलिक मिरर. सो दिस इज नॉट इन आवर कोर्स. यह दोनों मिरर हमारे कोर्स में नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर से डील करना है. नाउ जैसा हमने कहा, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फीयर. स्फेरिकल मिरर क्या है? एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर है. इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा ग्लास का बॉल लिया. इट्स अ ग्लास बॉल. एक ग्लास है, ग्लास का एक बॉल लिया, जो नॉर्मल जैसा फुटबॉल होता है वैसा उतना बड़ा एक बॉल लिया जो कि ग्लास का है. एंड इट्स अ हॉलो बॉल. यह खाली है, ये बॉल बिल्कुल खाली है. और ग्लास से ऐसे बॉल बनाए जा सकते हैं. ओके, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये बनाया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. जनरली हमें लगेगा कि कांच की फुटबॉल कैसे बन सकती है, कांच की फुटबॉल भी बनाई जा सकती है. ओके, सो इस तरह का ग्लास का बॉल है. इस ग्लास बॉल में से मैंने इतना टुकड़ा कट किया, दिस ए बी. मैंने इतना टुकड़ा ऐसा कट किया. अगर इस टुकड़े को हम साइड से देखें, सो दिस पार्ट विल लुक लाइक दिस. यह पार्ट बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, ए बी. दिस इज द साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं अभी. जब आप इसको सामने से देखेंगे, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. इस तरह का एक सर्कुलर शेप ही आपको दिखाई देगा, बिकॉज ये एक स्फीयर से काटा हुआ है पार्ट है. आपने फॉर एग्जाम्पल मौसम्मी, आप मौसम्मी लीजिए और मौसम्मी को ऐसा काट दीजिए, ऐसा ऊपर से उसकी कैप काट दीजिए. सो वह जो कैप निकलेगी उसको साइड से देखेंगे तो उसका शेप ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस. और जब उसको सामने से देखेंगे तो वह सर्कुलर शेप दिखाई देगा. तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस ग्लास की बॉल में से एक टुकड़ा काट लिया. ओके, जैसा नींबू काटते हैं, नींबू काटेंगे साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. मे बी उसका कर्वेचर बदल सके, मतलब ये जो कर्व है अभी इतना है, आप दूसरा कर्व काटेंगे तो हो सकता है ज्यादा कर्वेचर मिले. लेकिन मैंने अभी जो पार्ट काटा है उसका कर्व इतना ही दिख रहा है. ओके, जैसा नींबू या मौसमी को आप काटते हैं तो कुछ ऐसा ही शेप दिखता है. दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू. सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, साइड से देखने पर ऐसा दिखेगा. एंड रिमेंबर, इस चीज पे मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज ये चीज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकली इन द सेंस आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, आपको फिजिक्स में प्रैक्टिकल जो आएगा उसमें प्रैक्टिकल में मिरर्स के ऊपर और लेंसेज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. सो इस चीज को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि प्लेन मिरर आखिर होता क्या, सॉरी कर्व मिरर कैसा होता है. ये जो मिरर बना है, दिस मिरर, ये जो ग्लास हमने निकाला है, दिस पार्ट ए बी, यह पार्ट है मिरर के लिए. इस मिरर, इस पार्ट से ही हम अपना मिरर को बनाएंगे. नाउ देखिए, हमने इस पार्ट को निकाला, साइड से देखा तो ऐसा दिखा, सामने से देखा तो सर्कुलर दिखा. और ये ए बी जो है, ये टर्मिनल्स है, यही वाले ए और बी ऐसा. अगर मैं इस पार्ट के, ये जो पार्ट बनाया है हमने, दिस ए बी पार्ट, इस ए बी पार्ट के बाहर बाहर की सरफेस पे सिल्वर कोटिंग कर दूं, दिस इज सिल्वर कोटिंग, अगर इसके बाहर वाली सरफेस पे मैं सिल्वर कोटिंग कर दूं तो कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी? उसके अपोजिट. अपोजिट कौन सी है? अंदर वाली. सो दिस इनर सरफेस, यह सरफेस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग. दिस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। ध्यान से देखिएगा क्या करा हमने, हमने इस पार्ट के बाहर के सरफेस पे जो आउटसाइड का जो सरफेस है इस सरफेस पे हमने सिल्वर कोटिंग कर दी। तो सिल्वर कोटिंग करने से अंदर की जो सरफेस है दिस इनर सरफेस बिकम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया इसे हमने? इट्स नोन एज अ कॉनकेव मिरर, ऐसा ऐसे नाम दे दिया। ओके नाउ, लेकिन अब मैं जो ये हमने पेंट किया है इस पार्ट के बाहर की तरफ, जरूरी नहीं कि मैं इसे हमेशा बाहर ही पेंट करूं, मैं इस तरह से भी पेंट कर सकता हूं इसके अंदर की सरफेस पे। दिस इज सिल्वर कोटिंग, ऐसा हम अंदर भी पेंट कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरह से अंदर की सरफेस पे पेंट करेंगे देन दिस आउटसाइड सरफेस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यह सरफेस कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिंस दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मिरर कैसा बना? यह मिरर बाहर की तरफ बन गया। ये मिरर कैसा बना था? अंदर की तरफ। ये मिरर कैसा बना? बाहर की तरफ। एंड हमने इसे नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर। दिस मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। सो जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी वेरी केयरफुली। हमने एक स्फेरिकल बॉल लिया, एक कांच का एक बॉल लिया, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा इस तरह से जैसा नींबू काटा जाता है वैसा। इस टुकड़े को साइड से देखा तो ऐसा दिखा, सामने से देखा तो ऐसा दिखा, और इस टुकड़े पे हमने एक बार बाहर की तरफ पेंट कर दिया तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई और हमने इस मिरर को नाम दिया कॉनकेव मिरर। और एक बार हमने इसके अंदर वाली सरफेस पे पेंट कर दिया तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो इसीलिए हमने इसे नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स विच आर, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को आप कैसे पहचानेंगे? कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिंग, कौन सी सरफेस? जो अंदर की तरफ है। कॉन्वेक्स मिरर में बाहर की सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिंग, बाहर की सरफेस मीन जो बल्जिंग आउटवर्ड्स है, जो सरफेस बल्ज कर रही है बाहर की तरफ, दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके सो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। नाउ अगर हम इसे कंप्लीट स्फीयर के टर्म्स में देखें कि स्फीयर पूरा अगर हम बनाते हैं तो कैसा दिखेगा ये, लेट अस ऑब्जर्व दिस। से दिस इज अ स्फीयर एंड दिस दिस इज द मिरर। इस मिरर के हमने अंदर वाली सरफेस पे सिल्वर कोटिंग करी, दिस इज द स्फीयर, और इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। सिमिलरली एक और स्फीयर हम बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने क्या करा? दो स्फीयर्स बनाए। एक बार हमने इधर वाले पार्ट में अंदर की तरफ पेंट किया, सो दिस इज द मिरर। जब आप इस सरफेस को देखेंगे, ये जो टुकड़ा हमने तोड़ा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। यह टुकड़ा एक स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक स्फेरिकल मिरर। इसकी जो सरफेस है, दिस सरफेस इज अ स्फेरिकल सरफेस। ये भले ही एक कंप्लीट स्फीयर नहीं बन रहा, लेकिन ये एक स्फीयर से निकाला गया टुकड़ा है, इसीलिए हम कहेंगे दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस।
और जब हम इसे पूरा इस तरह से कंप्लीट कर देंगे देन इट विल बिकम अ कंप्लीट स्फीयर, या कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इस तरह से अगर कंप्लीट करेंगे सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाई? बिकॉज अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है, बल्जिंग जो सरफेस है यह सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर बिकॉज यहां पे बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है, अंदर की सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज अ स्फीयर। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी होगी दैट विल बी नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। और वी कैन से दैट अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। एक स्फेरिकल मिरर वह मिरर है जो कि किसी स्फीयर से बनाया गया है। ओके सो इस तरह से हम स्फेरिकल मिरर को बनाएंगे। नाउ वी विल लर्न सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब हमने मिरर तो बना लिया, ओके मिरर इस तरह से बन चुका है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम इस कर्व मिरर को, इस स्फेरिकल मिरर को पूरी तरह से समझें और समझने के बाद प्रैक्टिकली इसे यूज करें। बिकॉज ये डिवाइस हमारे कब काम का, जब कोई प्रैक्टिकल यूजेज में आएगा देन इट्स वर्थ, तभी ये वर्थ है, अदरवाइज हम इसका क्या करेंगे। सो इसीलिए इसको समझने के लिए, इसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हमने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करी, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बनाई जिस टर्म के बेसिस पे हम इस मिरर को पहचानेंगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सो गाड़ी चलाते समय क्या होता है, टर्म कैसी बनी है कि रेड लाइट मतलब आपको रुकना है, ग्रीन लाइट मतलब आपको चलना है। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दैट ट्रैफिक। तो ये टर्मिनोलॉजी से क्या हुआ, सबको पता चल गया कि हाँ अगर हमें रेड लाइट दिख रही है तो वी नीड टू स्टॉप, ग्रीन लाइट दिख रही है मतलब हमें चलना है। तो उसी तरह से जब हम इस मिरर को स्टडी करना चाहते हैं, इस मिरर को यूज करना चाहते हैं, तो तब हमने इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई। सो वी विल अंडरस्टैंड दोस टर्मिनोलॉजीज वन बाय वन। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू दिस स्फेरिकल मिरर्स और कर्व मिरर इज पोल। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है पोल। व्हाट इज पोल? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या चीज है? पोल इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि इन दिस स्फेरिकल मिरर यू विल फाइंड कि यह मिरर कुछ इतना बड़ा है, लाइक दिस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दो एंड पॉइंट्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यह दोनों एंड पॉइंट्स हैं इस मिरर के। सो द पोल इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर। यह मिरर इतना बड़ा है लगभग, तो इस मिरर का मिड पॉइंट होगा समवेयर हेयर, कुछ यहां पे, दिस पॉइंट, और यहां पे लाइक दिस। दिस पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। पोल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो मिरर है इसका बीच का जो पॉइंट है दैट इज एग्जैक्टली यहां पे, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पोल, और पोल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म, ओके? ये ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, मैंने समझा दिया और हो गया। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको पोल का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, ओके? आपको यूज करना है, ओके? सो द पोल इज व्हाट? इट्स अ मिड पॉइंट। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। सो पोल के बाद सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच
द मिरर इज अ पार्ट ऑफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ. यह मिरर जिस स्फीयर में से तोड़ा गया है, जिस स्फीयर में से निकाला गया है, उस स्फीयर का सेंटर विल बी नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी. कैपिटल सी से हम इसे डिनोट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिरर. इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे सो दिस विल बिकम अ कंप्लीट स्फीयर और इस स्फीयर का सेंटर कहां है? दिस वन. सो दिस पॉइंट इज नोन एज सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. और यहां पर भी दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. खास बात ये, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर. क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिकॉज देखिए आप मिरर इस तरह से है तो आप देख कहां से रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? इधर वाली. सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो मैं अगर इस मिरर में देखूंगा सो मैं ऐसा तो नहीं कि पीछे से देखूंगा, बिकॉज पीछे से तो सिल्वर पेंटेड है वो, तो कोई कुछ दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हम आगे से देखेंगे. सो हम क्या कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे की तरफ लाई कर रहा है. हम यहां से देख रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है. लेकिन वही कॉनकेव मिरर के लिए कैसा है? कॉनकेव मिरर में आप सामने से देख रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां लाई कर रहा है. इट मींस अगर मिरर ऐसा मेरे सामने रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां बीच में लाई कर रहा है. सो आई विल से फॉर कॉनकेव लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ, सॉरी कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. फॉर कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर. ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं. कॉनकेव के लिए क्या होगा? कॉनकेव के लिए इन फ्रंट ऑफ मिरर. और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए वी विल राइट बिहाइंड द मिरर. Behind the mirror and that is in front of the mirror. So यह दो terminologies हमने discuss कर ली spherical mirrors के बारे में. इसे note कर लीजिए, फिर हम further अगली terminologies discuss करते हैं.